हफ्ते भर बाद आखिरकार गुलजार हुआ लालगंज का तहसील परिसर। आखिरकार कई हफ्ते बाद गुलजार हुआ तहसील परिसर और कार्य हुआ प्रारंभ। तहसील दिवस पर सुनी गई फरियादों की फरियाद। आपको बता दें कि पिछले दिनों से संयुक्त अधिवक्ता संघ लालगंज इकाई के अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र की अगुवाई में उप जिलाधिकारी लालगंज की कार्यशैली से नाराज होकर कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील व दीवानी गेट पर तालाबंदी का कार्य किए, किंतु उच्चाधिकारियों द्वारा काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार आज खोला गया तहसील गेट का ताला और फिर से एक बार गुलजार हुआ तहसील परिसर। कार्य पर लौटे अधिवक्ता सुनी गई तहसील दिवस में फरियाद। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। तहसील परिसर, जी हाँ, हम बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील की, जहाँ पर एसडीएम के कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर के गेट पर ताला जड़ दिया था, किंतु आज तहसील दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर इसका ताला खुलवाया गया और तहसील परिसर में पुनः एक बार कार्य प्रारंभ हुआ। अब देखना यह है कि यह कार्य अनवरत चलता रहेगा या अधिवक्ताओं का जो गुस्सा है, जो कार्य प्रणाली के प्रति रोष था, वह फिर से व्याप्त हो।